ओम शांति। 8th May 73 अव्यक्तवाणी सर्वोच्च स्वमान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले महादानी वरदानी महात्यागी व पद्मापदम भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूरत शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? अपने स्वमान को जानते हो? सभी से बड़े से बड़ा स्वमान अभी ही है, यह तो जानते ही हो, लेकिन वह कौन सा स्वमान है? बड़े से बड़ा स्वमान अभी कौन सा है जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता? वह कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो, शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए वालेकम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो जिस रूप में चाहो उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कब अनुभव करेंगे? रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। यह है शुद्ध स्वमान। इसमें अभिमान नहीं होता है। जहां स्वमान होता है वहां अभिमान नहीं होता है। बाप को सेवाधारी बनाया लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो अपने ऐसे शुद्ध स्वमान में जहां अभिमान का नाम निशान नहीं है इस स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे मीठे बच्चे विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर है ना? तो ब्राह्मण चोटी अर्थात बाप के सिरताज। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को स्वमान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा स्वमान देते बाप समान बनाते रहते हो। सदा यह स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है परंतु उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है। दाता है ना? यह सदा स्मृति में रहता है। अथवा जहां देना है वहां भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना? अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहां से लेना है वहां ले रहे हैं और जहां देना है वहां दे रहे हो, अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना? जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को
बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता है कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का, उनके साथ साथ और क्या रहता है? खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा उतनी ही कर्म में नम्रता, इस नशे की निशानी यह है। नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी, नैनों में सदैव नम्रता होगी, इसलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना, एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया कि ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना? जितना ऊंच उतनी ही नम्रता, ऐसा बैलेंस रहता है? अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। हर समय यह चेक करो कि बाप से कितने खजाने मिले हैं। मालूम है कितने खजानों के मालिक हो? अनगिनत। फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना? इस संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं? आप लोगों को कितने मिले हैं? सभी से बड़ा खजाना तो बाप मिला। पहले नंबर का खजाना तो यह है ना? जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया। बाप मिल गया अर्थात सभी कुछ मिल गया। और क्या मिला? वह भी साथ साथ वर्णन करो। ज्ञान भी है और अष्ट शक्तियां भी है। एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो, वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकेंड भी खजाना है। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है, वैसे इस संगम युग के एक एक सेकेंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो यह संगम का समय अर्थात एक एक सेकेंड अनेक पद्मों से ज्यादा बड़ा खजाना है। अगर अनेक पद्म इकट्ठे करो और संगम युग का एक सेकेंड दूसरी तरफ रखो तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकेंड गिना जाएगा, क्योंकि इस एक सेकेंड में ही सदाकाल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना, एक सेकेंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो एक सेकेंड की भी वैल्यू हो गई ना? तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो कि हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके हैं। अथवा ऐसा तो नहीं कि
कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो, वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए, सूर्यवंशी नहीं हुए। सूर्यवंशी अर्थात संपन्न, किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि यह कहाँ तक है, कितनी अंदाज में है। ऐसा तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए हैं। तो इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या अपने प्रति ही रख लिया है। महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान किया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो यह चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही है, ज्ञान का खजाना व शक्ति का खजाना लगाते हो तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अभी तक भी सर्व शक्तियों को अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना न पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? जैसे बाप अपने रेस्ट का समय, जो कि शरीर के लिए आवश्यक है, वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे न कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे न। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसे है, समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति न लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है, लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते। क्यों? कारण
विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वह भावना थी। एक नामी और इकोनॉमी वाले थे, सभी खजानों की इकोनॉमी थी, व्यर्थ नहीं गवाते थे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज को देखो, कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले साल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस, फिर साल्वेशन मिले न मिले। साल्वेशन में सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। जहां जाओ, जैसी परिस्थिति हो और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है, यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहां स्वयं का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी, इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। बहुत जिम्मेदारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेदारी हरेक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था, बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं, और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेदारी को संभालते जाओ। समझा? अच्छा, ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मापदम भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।